Okay, good morning students. Today we will discuss about De Broglie wavelength of the electron in the potential difference. इसका मतलब क्या हुआ? जब हम कोई एक potential difference सेटअप कर देते हैं, ठीक है? मान लो एक positive terminal है, एक किधर negative terminal है, तो electron को अगर इसके अंदर हम insert करते हैं, रखते हैं, तो क्या होगा? तो electron क्या होगा? इस positive charge की तरफ accelerate होगा. क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ एक पर्टिकुलर एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, ये मूव कर रहा है, इसकी सर्टेन वेलोसिटी एक्वायर करेगा, वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, तो ओबीसी इसके पास में एक वेव जो है वो एसोसिएटेड होगी, ठीक है? यानी कि जब हम इलेक्ट्रॉन को किसी पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? अट्रैक्ट होगा तो वो मूव करेगा, मूव करेगा तो ओबीसी बात है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, डी ब्रोगली ने क्या बोला था, कोई भी मटेरियल पार्टिकल है व्हिच इज मूविंग विद अ सम काइंड ऑफ अ वेलोसिटी दैट विल पोजेसेस द वेवलेंथ, तो उस पर्टिकुलर वेव को एसोसिएट करता है, ठीक है? यानी कि उस पार्टिकल के पास में जो होगी वेवलेंथ होगी, ठीक है? तो वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम उसका सेटअप तो कितनी उसके साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट रखा तो कितनी वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, जब पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट रखा तो बताओ पोटेंशियल वेवलेंथ कितनी एसोसिएटेड होगी। इस तरीके से अगर हम वेरिएशन देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में तो इलेक्ट्रॉन भी अलग अलग वेलोसिटीज के साथ चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेलोसिटीज के साथ चल रहा है तो उसके साथ कितनी वेवलेंथ जो है एसोसिएटेड होगी वो कैलकुलेट करेंगे आज हम इसमें प्रैक्टिकल, ठीक है? तो जैसे कि हम लोगों को पता वेवलेंथ के बारे में हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया हुआ है, एच ऑफ ऑल कितना होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस में एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अरे काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मूव कर रहा है ना, मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv² डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल इन दैट इंस्ट्रूमेंट, उसमें इंस्ट्रूमेंट में हम पोटेंशियल डिफरेंस कितना सेटअप किया हुआ है इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ कर रखा हुआ है। जब हमने इंटेंसिटी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था तो उस टाइम हमने देखा था कि काइनेटिक एनर्जी जो है
ए और सी ना वैल्यू, जब इन सारी सारी वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज 6.62 × 10⁻¹¹ डिवाइडेड बाय 4 अंडर रूट कितना आएगा 2 इनटू मास की वैल्यू 9.1 × 10⁻¹¹ रहेगा बाकी सभी को उसी तरह से और ये वैल्यू की चार चार की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹¹ अंडर रूट ऑफ बी बी को हम अप्लाई करेंगे क्योंकि बी तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम कितना उसमें पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं कितना ज्यादा हम उसमें पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इसमें जो है वो एक्शन वेव लग जो हमको बनेगी यानी कि कितनी वेलोसिटी के साथ वो चार्ज पार्टिकल आगे की तरफ मूव करेगा और मूव करने के साथ साथ उसके साथ कितनी वेव लग जो है एक्सीलरेटेड होगी क्लियर है भाई तो इन सभी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो आगे बच्चे अगर गैप 12.27 × 10⁻¹⁹ होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ बी इसके इक्वल मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ठीक है अब देखो 10⁻¹⁹ इसके इक्वल होता है 1 आउटस्टॉप के इक्वल होता है तो दिस कैन बी रिटन एज 12.27 अपॉन अच्छा इसको मीटर में आएगी वैल्यू ठीक है अंडर रूट ऑफ वी और इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी आर्मस्ट्रांग के इक्वल है तो दैट इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन दिस इज द एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज पुट इनसाइड द पोटेंशियल डिफरेंस अब यहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस जो भी रखा होगा उसकी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट करो अल्टीमेटली यू कैन इजीली गेट दैट ऑफ द वेव लेंथ कि जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके साथ कितनी वेव लेंथ जो है वो एसोसिएट होगी यानी कि उसकी लेंथ कितनी होगी वेव की ठीक है उसके से आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो तो दैट इज कॉल्ड द डी ब्रॉगलिंग वेव लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इन दैट वे हमने सारे सारे कैलकुलेट कर लिया अल्टीमेटली हम लोगों के पास क्या आया एक्सप्रेशन आया कितना 12.27 ओ डिवाइडेड बाय रूट ऑफ बी आउटस्टॉप बी की वैल्यू डालो इजीली यू कैन गेट दैट ऑफ द वेव लेंथ क्लियर हो गई बात सभी को ये